Hi friends, welcome back to my channel. This is Amandeep and I'm back with another recipe which is onion garlic paranta with liquid dough. इसमें हमें आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. So if you like this recipe, don't forget to subscribe to my channel. Also don't forget to comment, like and share. सबसे पहले मैंने आटा लिया है wheat flour. ये मैंने इस कटोरी के हिसाब से एक कटोरी लिया है. उसके बाद मैंने एक medium sized onion लिया है, बारीक काट लिया है. बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, अजवाइन, गरम मसाला एंड सॉल्ट. सबसे पहले मैंने आटे में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च लिया है. लहसुन 5-6 कलियाँ, 2-3 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक. ये मैंने एक मीडियम साइज अनियन में से मैंने अभी तक सिर्फ हाफ ही डाला है, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डाल लूँगी. उसके बाद मैं इसमें अजवाइन डालूँगी विच इज़ 1/2 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला एंड 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट. ये मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है. अब लास्ट इसमें जो जाएगा चिली फ्लेक्स, वो भी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है बिकॉज ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च मैंने डाली हुई है. दैट्स इट. एक बार मैं इसको एक बार मिक्स कर लूँगी अच्छे से. एंड अब मैं उसी कटोरी के हिसाब से मैं इसमें पानी डालूंगी. मैंने अभी 1/2 कटोरी डाला है. अगर मुझे और लगेगा मैं डालूंगी. अब ये मैंने पूरी कटोरी डाल दी है इसमें. मुझे लग रहा है कि पानी थोड़ा और डलेगा तो मैं 1/2 कटोरी और डाल दूंगी इसमें. एक बार मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि मुझे कैसा डो चाहिए. ये देखिए, मुझे ऐसा कंसिस्टेंसी चाहिए. अब मैंने पैन में हल्का सा ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं बिकॉज ये नॉन स्टिक है. अगर आप दूसरा पैन ले रहे हैं तो आप ऑयल उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं. अब मैं एक बार इसको स्प्रेड कर लूँगी और सेंटर से थोड़ा बाहर की तरफ मैं लेके आऊँगी बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि सेंटर पे थोड़ा मोटा रह जाए. एक बार मैंने हल्का सा ऑयल डाल लिया है. अब मैं इसको प्रॉपरली कुक करने दूँगी. अब जैसे ही परांठा लाइट ब्राउन हुआ मैंने उसको टर्न कर लिया. अब मैं अच्छे से प्रेस करती रहूँगी इसको सो दैट ये कच्चा ना रहे. एंड धीरे धीरे आप देखेंगे बिल्कुल परांठे की तरह लुक आ जाएगी. ये देखिए, अब मैंने इसको एक और टर्न किया है और देखिए कि फूल रहा है हल्का हल्का. हमने इसको अच्छे से प्रेस करते रहना है दोनों साइड से सो दैट प्रॉपरली कुक हो जाए और अंदर से कच्चा ना रहे. ये मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ एंड पलटती जा रही हूँ. ये देखिए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे गूंदे हुए आटे से ही परांठा बनाया गया है. इसको मैं एक बार अच्छे से दूसरी साइड से भी प्रॉपरली कुक कर लूँगी एंड प्रेस करती रहूँगी. आप चाहें तो प्याज, लहसुन, अदरक या हरी मिर्च की जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं. ये मैंने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐड किया है. या तो आप चाहें सिर्फ अनियन या सिर्फ लहसुन अदरक भी रख सकते हैं. और अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप अदरक और हरी मिर्च का परांठा भी बना सकते हैं. सो माय परांठा इज़ रेडी. एंड देखिए कि कितना सॉफ्ट लग रहा है एंड प्रॉपरली कुक हो गया है. अगर आपको भी आटा गूंदना पसंद नहीं है तो आप ऐसे अपना परांठा कुक कर सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड आप कोई पर्टिकुलर रेसिपी देखना चाहते हैं सो मुझे ज़रूर बताइएगा. आई विल ट्राई टू कुक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़.